सब पेशेंट जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी कैंसर के इलाज का एक नया रेवोल्यूशन है, पर उसकी मेन प्रॉब्लम है आज के दिन उसका हाई कॉस्ट। क्या आप जानते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है जिससे सेम इम्यूनोथेरेपी ड्रग को 90% कॉस्ट रिडक्शन से पेशेंट को दिया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड, चैनल के रेगुलर व्यूअर्स जानते होंगे इम्यूनोथेरेपी की टेक्नोलॉजी के बारे में, और इम्यूनोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट का एक बहुत मेजर रेवोल्यूशन है जो एक एक करके हर कैंसर के ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली चेंज करता जा रहा है और पेशेंट को इनक्रेडिबल सर्वाइवल और इनक्रेडिबल लॉन्ग टर्म क्योर रेट दे रहा है। परंतु इम्यूनोथेरेपी की एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन जो इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे ड्रग्स में एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि उनका कॉस्ट बहुत हाई है, और पेशेंट्स को यह परसेप्शन है कि एवरेज मिडिल क्लास पेशेंट इन ड्रग्स को एक्सेस नहीं कर पा सकता। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम बोलते हैं लो डोज इम्यूनोथेरेपी। तो आज हम आपको लो डोज इम्यूनोथेरेपी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको जज करने में हेल्प करेंगे क्या लो डोज इम्यूनोथेरेपी आपके लिए राइट ट्रीटमेंट है या नहीं है। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी के बारे में और इसकी मेन कॉस्ट की प्रॉब्लम के बारे में। तो फ्रेंड्स, इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी से मतलब है कुछ स्पेशल तरह के ट्रीटमेंट्स जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अलाउ करते हैं कोई ट्यूमर सेल को जाके किल करते हैं। तो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जो नेचुरली बॉडी को सर्वेल करता है, उसको कोई भी सेल मिलता है जो कैंसर की तरफ जा रहा है तो उसको इमिजिएटली किल कर देता है। तो यदि किसी पेशेंट में कैंसर डेवलप हुआ है तो एक इम्यून सिस्टम का फेलियर है, तो इस फेलियर को ओवरकम करने का बॉडी पूरी कोशिश करती है, पर कभी कभी कैंसर सेल उस इम्यून सिस्टम को दबा देते हैं और खुद को एस्टैब्लिश करते हैं जिससे कि कैंसर पेशेंट को हो जाता है। तो आज के दिन बहुत सारी नई रिसर्च टेक्नोलॉजीज ने शो किया है कि कुछ दवाइयों से, कुछ टेक्नोलॉजी से इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं कि वो इम्यूनोथेरेपी सेल्स जाके कैंसर को एलिमिनेट या इरेडिकेट कर दे, और इस टेक्नोलॉजी को ही इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आज के दिन जो हमारी कंट्री में इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स अवेलेबल है वो सारे पेटेंटेड ड्रग्स हैं जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो अमेरिका या यूरोप में बेस्ड है उन्होंने बना रखे हैं, और ये कंपनियां अपने ड्रग्स को बहुत ही हाई कॉस्ट में हमारी कंट्री में बेचती है। और इन जनरल यदि हम फुल कॉस्ट की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट लाखों में माना जाता है। तो एवरेज पेशेंट को ये परसेप्शन है जो कि जिसमें सच भी है कि इम्यूनोथेरेपी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वो नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकता। तो रिसेंटली इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसको लो डोज इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। और इस लो डोज इम्यूनोथेरेपी की कॉन्सेप्ट में ये है कि जो ड्रग नॉर्मली फुल डोज पे लाखों का आता है और सेम ड्रग को एक बहुत ही लो डोज में पेशेंट को दिया जाता है विद दी एक्सपेक्टेशन कि पेशेंट को ऑलमोस्ट उतना ही बेनिफिट मिलेगा जो कि फुल डोज से मिलता है। और इस कॉन्सेप्ट को लो डोज इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं क्योंकि सेम ड्रग को लो डोज पे देने से उसका कॉस्ट हम 90% तक कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी की कॉन्सेप्ट आई कहां से। तो फ्रेंड, जब ये ड्रग्स पहली बार डिस्कवर या इन्वेंट हुए तब इनका एक डोज, जिन कंपनियों ने ड्रग्स को इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, उन्होंने एक कंपनी ने एक डोज डिसाइड किया और उस डोज पर क्लिनिकल ट्रायल्स करे गए और देखा गया इन ड्रग्स का फायदा है। पर लेटर ओवर दी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कई साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब दवाई पेशेंट की बॉडी में चढ़ाई जाती है तो जो ड्रग लेवल इम्यून सेल को पूरी तरह ढकने के लिए चाहिए उससे ब्लड में जो ड्रग लेवल है उससे 10 से 20 गुना ज्यादा है। तो कई डॉक्टर्स ने यह हाइपोथेसिस उठाया कि भाई यदि इससे 110 डोज पे सेल पूरी तरह कवर्ड है, अपना पूरा एक्शन कर रहा है इम्यूनोथेरेपी का, तो ये एक्सेस ड्रग शायद बस वेस्ट हो रहा है, शायद बस बॉडी में मेटाबोलाइज होकर डट्टे पेशाब से निकल रहा है और शायद हम पेशेंट को जितने ड्रग की जरूरत है उसे ज्यादा ही दे रहे हैं। तो इस हाइपोथेसिस को लेकर वेरियस सेलुलर और एनिमल स्टडीज की गई देखने के लिए कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी का क्या असर हाई डोज इम्यूनोथेरेपी से कंपेरेबल है। और अर्ली स्टडीज में यही पाया गया कि लो डोज और हाई डोज का असर एक्चुअली कंपेरेबल पाया गया। तो इसके बाद कुछ फर्दर लार्जर स्टडीज हुई जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे हुई, जिसमें कुछ पेशेंट्स को लिया गया जो फुल डोज इम्यूनोथेरेपी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, और एक फॉर्मल क्लिनिकल ट्रायल सेटिंग में पेशेंट्स को ऑप्शन दिया गया कि सेम ड्रग को बहुत ही लो डोज पे ले ले और देखा जाए कि उनको दवाई से कितना फायदा होता है। तो जो अर्ली स्टडीज थी वो मेनली कोरिया, यूरोप और रशिया में की गई थी, और इन स्टडीज में देखा गया कि एक्चुअली उन पेशेंट्स को ऑलमोस्ट उतना ही फायदा है जितना तुम एक्सपेक्ट करोगे यदि उनको फुल डोज इम्यूनोथेरेपी दी जाए। और ये एक मेजर पॉजिटिव सिग्नल था कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी एक वायबल टेक्नोलॉजी है। जब ये चीज उठी तो उसके बाद लार्जर स्टडीज हुई, उनमें से कई स्टडीज इस समय हमारी कंट्री में चल भी रही है और कई स्टडीज के रिजल्ट आ भी चुके हैं। और इन लार्जर स्टडीज में एक्चुअली काफी हद तक ये पाया गया है कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी एक एक्टिव थेरेपी है। अभी भी ये नहीं पता है कि फुल डोज इम्यूनोथेरेपी जितनी ही एक्टिव है, पर इट इज अ हाईली एक्टिव थेरेपी, और 90% कॉस्ट रिडक्शन पे ज्यादातर कैंसर पेशेंट लो डोज इम्यूनोथेरेपी से इम्यूनोथेरेपी का हाईली स्पेसिफिक डीप और ड्यूरेबल रिस्पॉन्स पा सकते हैं।
और इनफैक्ट एक मेजर प्रोटोकॉल जिसको हम TMCI प्रोटोकॉल बोलते हैं, आज के दिन मुंह और गले के कैंसर में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसमें इम्यूनोथेरेपी का 1/15 के करीब डोज यूज किया जाता है और ये प्रूवन हाईली इफेक्टिव प्रोटोकॉल है जो कॉमनली हम पेशेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। इन एडिशन मल्टीपल कैंसर टाइप्स में देखा गया है कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी एक हाईली एफिकेशियस और एक्टिव थेरेपी है। इन एडिशन टू क्लिनिकल एविडेंस हमारा एक्सपीरियंस भी कुछ कहता है और जो रिसर्च हुई है जो पब्लिश हुई है उसके अलावा लो डोज इम्यूनोथेरेपी से मैंने और बहुत सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने आज तक हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और हमारा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि लो डोज इम्यूनोथेरेपी ऑलमोस्ट उतनी इफेक्टिव थेरेपी जितनी फुल डोज इम्यूनोथेरेपी है, विच इज वाई लो डोज इम्यूनोथेरेपी का प्रचलन ओवर टाइम वेरियस सेटिंग्स में इंक्रीज होता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोई भी पेशेंट पूछेगा कि सर यदि हम इम्यूनोथेरेपी को 90% कॉस्ट रिडक्शन में दे सकते हैं तो वही सबको क्यों नहीं देते, वाई डोंट वी गिव दैट एज स्टैंडर्ड, सबको किसी को क्यों महंगी इम्यूनोथेरेपी दी जाए, सभी को लो डोज दे दो जो आप कह रहे हो कि उसके सिमिलर है या बराबर है। तो दोस्तों इसका एक मेन रीजन है रिसर्च पे गैप। तो फ्रेंड्स कोई भी स्टैंडर्ड थेरेपी जिसका एक स्टैंडर्ड डोज है रिसर्च से जो एस्टैब्लिश की गई है वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। यदि हम उस ट्रीटमेंट को किसी एक चीपर या इजियर ट्रीटमेंट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमारे पास डेटा होना चाहिए कि जितना उस थेरेपी का फायदा है एग्जैक्टली उतना है उससे बेटर थेरेपी नई थेरेपी का फायदा है, जिसको हम एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लो हमने 500 पेशेंट लिए, आधों को फुल डोज इम्यूनोथेरेपी दिया आधों को लो डोज इम्यूनोथेरेपी दिया और उनको 2 साल तक फॉलोअप किया देखने के लिए कि क्या दोनों ग्रुप्स का रिजल्ट बराबर है या नहीं बराबर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लो डोज इम्यूनोथेरेपी के सिंगल इंडिविजुअल स्टडीज है जिनमें देखा गया कि रिजल्ट अच्छा है और कंपेरेबल टू फुल डोज स्टडी है, पर ऐसी कोई लार्ज रैंडमाइज ट्रायल आज तक हुई नहीं है जिसमें आधों को लो डोज और आधों को फुल डोज दी और 2 साल तक फॉलो किया जाए। इंपॉर्टेंटली इस लेवल की स्टडीज इस समय रिसर्च स्टेज पे चल रही है और एक्सपेक्टेड है कि जल्दी इन स्टडीज के रिजल्ट आ जाएंगे, बट अंटिल नाउ दी स्टडीज हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड और पब्लिश्ड, विच इज वाई आज के दिन भी यदि आप पूछो कि सर स्टैंडर्ड क्या है तो स्टैंडर्ड फुल डोज इम्यूनोथेरेपी भी ही है। किसी भी यदि कोई भी पेशेंट कंप्लीटली बेस्ट थेरेपी के लिए अफोर्डेबल है और चाहता है कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट थेरेपी चाहिए तो उनको फुल डोज इम्यूनोथेरेपी ही मिलनी चाहिए। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फुल डोज इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट ऐसा है कि हमारी कंट्री के 1-2% नागरिक ही फुल डोज इम्यूनोथेरेपी को एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द रेस्ट, हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई पेटेंट खत्म होएगा तभी बाकी पेशेंट को ट्रीट करेंगे। पेटेंट खत्म होने में 1-3 साल कितना भी टाइम लग सकता है और पेशेंट्स को इस थेरेपी की जरूरत आज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिससे हमारी कंट्री का आम नागरिक भी इम्यूनोथेरेपी को एक्सेस कर सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा और बहुत स्ट्रॉन्ग रैशनल है कि यह दवाई काम करती है। बस ये हमें नहीं पता कि फुल डोज जितना एग्जैक्टली उतना ही काम करती है या उससे 10-15% कम काम करती है, इसलिए आज के दिन भी जो पेशेंट अफोर्डेबल है उनको फुल डोज इम्यूनोथेरेपी लेना चाहिए, बट जो लोग फुल डोज इम्यूनोथेरेपी नहीं ले सकते उनके लिए लो डोज इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हाईली इफेक्टिव हाईली इंपोर्टेंट थेरेपी है जो ऑलमोस्ट फुल डोज इम्यूनोथेरेपी जितना अच्छा ही रिजल्ट देती है। तो जिनको फुल डोज इम्यूनोथेरेपी अफोर्डेबल नहीं है पेशेंट्स को निराश या हताश नहीं होना चाहिए, वो लो डोज इम्यूनोथेरेपी के ऑप्शन पर डॉक्टर से डिस्कस करके उसको खुशी खुशी ले सकते हैं। तो इसमें एक सावधानी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लो डोज इम्यूनोथेरेपी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो लास्ट 3-4 years में ही डेवलप हो रही है। तो इम्यूनोथेरेपी अलोन एक न्यू टेक्नोलॉजी है, लो डोज इम्यूनोथेरेपी उसका एक रिफाइनमेंट है। तो उसके लिए एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्यूमेन और रिसर्च एक्सपीरियंस तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी पेशेंट यदि इम्यूनोथेरेपी या लो डोज इम्यूनोथेरेपी की तरफ जाना चाहता है तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एक हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट कराए ताकि दवाई के काम करने का चांस मैक्सिमाइज हो और साइड इफेक्ट होने का चांस मिनिमाइज हो। हमारे चैनल पर बहुत सारे और वीडियोज हैं जो इम्यूनोथेरेपी, TMCI प्रोटोकॉल और वेरियस इम्यूनोथेरेपी रिलेटेड टॉपिक से डील करते हैं, उनसे जानकारी लीजिए और अपना ट्रीटमेंट एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से ही कराइए। तो फ्रेंड्स विद दैट आई कंप्लीट टुडेज वीडियो। मुझे आशा है कि इस मेजर इनोवेशन जो कि फ्रेंकली एक मिडिल इनकम कंट्री जैसे इंडिया है उसके लिए कंप्लीट रेवोल्यूशन ही है, इसके बारे में आपको यूजफुल जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो से शेयर्ड इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको कोई भी सवाल है तो वीडियो में शेयर्ड सोशल मीडिया लिंक से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द मैं खुद दूं। हमारे चैनल का मेन पर्पज है कि हमारी कंट्री के पेशेंट अपनी भाषा में अपने सोशो इकोनॉमिक लेवल पे वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सेस कर पाए। तो इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें
और जल्दी आपसे मिलेंगे एक और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।